उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कस्बा नवाबगंज में सावन मास के दूसरे सोमवार को जहां शिव मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जलाभिषेक किया गया, वहीं कोई कांवड़ यात्रा न निकले इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह मैं हमराहियों सिपाहियों के साथ राप्ती नदी के लक्ष्मणपुर रसोरवा घाट पर मुस्तैद रहे, कहीं कोई जल भराव कर कांवड़ यात्रा न निकाले। वहीं कांवड़िया संघ के जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सावन मास के प्रथम सोमवार को एक बैठक आयोजित कर कांवड़ यात्रा न निकालने का फैसला लिया गया था। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंगलीनाथ धाम कांवड़िया संघ के अध्यक्ष व कांवड़िया संघ के जिला उपाध्यक्ष पिंटू गुप्ता ने कहा था कि शासन व प्रशासन के मंशा के अनुरूप कोविड-19 महामारी के चलते यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ के भक्त अपने अपने घरों में ही जलाभिषेक करें, भीड़ भाड़ से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वहीं सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस बीमारी जो महामारी का रूप ले रही है इससे बचाव बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि प्रत्येक वर्ष श्रावस्ती व बहराइच जिले के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत राप्ती नदी के लक्ष्मणपुर रसोरवा जानकी नगर जानकी गाँव घाट से जल भरकर पैदल चलकर नवाबगंज के मंगलीनाथ व मटेरा थाना क्षेत्र के जंगलीनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक करते थे। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन आज काफी सतर्क रहा। वहीं कांवरिया संघ जिला उपाध्यक्ष पिंटू गुप्ता ने पारंपरिक मान्यताओं का पालन करते हुए अपने संघ के पदाधिकारियों के साथ घाट पर पूजा अर्चना कर रस्म अदायगी की। वहीं जहां राप्ती नदी के घाटों पर पुलिस गश्त करती नजर आई, प्राचीन मंगलीनाथ शिव मंदिर के प्रांगण में भी पुलिस मौजूद रही। अखंड भारत न्यूज के लिए मोहम्मद साहिद अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।